हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? मैं आपका दोस्त विशाला का स्वागत करता हूं एक और ब्रांड न्यू एपिसोड में। सो आप सबको फर्स्ट ऑफ ऑल हैप्पी होली। सो कैसे हैं सब? क्या चल रहा है? सब बढ़िया होली मना रहे हैं कि नहीं मना रहे हैं? जब बढ़िया मनाते रहो। और चलो इस वीडियो की शुरुआत करते हैं बढ़िया से एक ट्रिप के साथ। और आज हम निकल रहे हैं, अभी मैं आ चुका हूँ घर। जैसे कि पता होगा सभी को कि मैं अभी चित्रकूट गया था। तो चित्रकूट से मैं अभी आया हूँ 11:15 बजे और अभी 11:30 बजे मैं निकल रहा हूँ यहाँ से दतिया अपने घर वालों के साथ और अपने जीजू बहन के साथ। तो यहाँ से जर्नी होने वाली है दतिया के लिए बाई कार, बट कार थोड़ी सी अब डिफरेंट रहेगी। तो करेंगे इस वीडियो की पूरी बातचीत। और अगर फर्स्ट टाइम चैनल पे आ रहे हो तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। और अभी चलो होली व्लॉग है भाई, अभी तो होली खेलेंगे। सो व्हाइट टी शर्ट पहनी किस लिए है? फिर टीका तक नहीं लगाया है। तो चलो इस वीडियो को करते शुभारंभ। तब तक के लिए सभी सब लोग फैमिली मेंबर सब आ चुके हैं और आपको फर्स्ट टाइम मेरे व्लॉग में मेरी बहन दिख रही होगी। सो हेलो कर दो, नाम बता दो अपना। हैप्पी होली। हैप्पी होली। मीर हैप्पी होली कर दो। हैप्पी होली। शिवाश हैप्पी होली कर दो। हैप्पी होली। हम लोग कहाँ जा रहे हैं? दतिया। कौन से मंदिर जा रहे हैं हम लोग? सो गाइस, अभी हमारी पूरी फैमिली निकल रही है दतिया के लिए। और हमारी एक नहीं, दो नहीं, तीन गाड़ियां जा रही है। एक हमारी गाड़ी जा रही है, एक बगल में गाड़ी है और एक जस्ट पीछे आपको गाड़ी दिख रही होगी, सो वो भी जा रही है। तो तीन गाड़ियां, तो तीन फैमिली अब साथ में जाएंगी और आपको पूरा मनोरंजन मिलने वाले पूरे वीडियो में। सो मेरे साथ और मेरे भांजे के साथ पूरे व्लॉग में बने रहना और आपको बहुत मजा आने वाली है। और अगर आप फर्स्ट टाइम चैनल पे आ रहे हो तो क्या कर देना, इसको सब्सक्राइब और शेयर कर देना। तो चलो लेट्स गेट स्टार्टेड। चलो गाइस, सो गाइस अभी गाड़ी में पेट्रोल बिल्कुल ना भरा है तो उसको फिलअप कराएंगे और उसके बाद हम निकलेंगे और गाड़ी में हवा भी डलवाएंगे। सो अभी हमें यहाँ पे लोकेशन गोविंद नगर और अभी यहाँ से फिर हम पकड़ेंगे हाईवे। सो चलते हैं सीधा, फिर आपको दिखाते हैं पूरी जर्नी। अभी हम रुके हैं जियो पेट्रोल पंप के पास और यहाँ पे मैंने अभी फिल कराया था 500 रुपए का। सो अभी 2 डंडी आ चुकी है और अभी ट्रिप ए मैंने 0 कर लिया, तो अभी 27 किलोमीटर हम चल चुके हैं। और यहाँ से अभी हम पहले फिल कराएंगे पहले 2000 रुपये का पेट्रोल। ये अपनी गाड़ियाँ खड़ी है और एक अभी बाहर आके लगी हुई है। सो डलाते हैं पेट्रोल और उसके बाद आपको पूरा एवरेज बताने वाला हूँ कि कितना एवरेज गाड़ी दे रही है I-20 पेट्रोल। इस जगह हो चुकी है जो मैं आ चुका हूँ पीछे, ये हमारे छोटे ब्लॉगर वीर। सो गाइस, अभी लिया है हम लोगों ने ब्रेक और अभी हम रुके हैं उरई के थोड़ा सा पहले, जहाँ से हम लोगों ने अभी लंच लेकर आए थे घर से। तो काफ़ी सारी तीन फैमिली थे तो सबने मिलके पूरा लाइक पानी की ट्रे, सो पानी की क्रेट पूरी और खाने पीने का पूरा सामान लेकर आए थे। सो अभी यही खाना पीना भी हुआ है और अभी बस यहाँ से निकल रहे हैं और आपको दिखाते हैं पहले बाहर का व्यू जहाँ से हम रुके हैं और जहाँ पे हम खाना ना खा रहे हैं और कितने लोग हमारे साथ आए हैं। तो चलो दिखाया जाए। खड़ी दिख रही है हमको ये तीन गाड़ियाँ हैं और ये भैया हमारी चमकती धमकती धन्नो और सामने भी वो हमारे लोग बैठे हुए हैं घर के सारे। और ये कुछ जगह है जहाँ पे इस तरीके से पूरा हट बना हुआ है और काफ़ी अच्छा लग रहा है देखने में भी। इस तरीके का पूरा यहाँ पे बना हुआ है हटवट और यहाँ पे आप पूरा गाड़ी पार्किंग कर सकते हो। सामने आपको मिल जाएगा पूरा खाने पीने का पूरा स्टॉल और साइड में भी यहाँ पे आज खुला हुआ है। इस तरीके का कुछ बना हुआ है यहाँ पे, आप कंपार्टमेंट पूरा हट टाइप बना रखा है जहाँ पे छोटी 5 सीट छोटी फैमिली है, बड़ी फैमिली, तो सबसे पूरे ब्लॉक्स बना रखे हैं यहाँ पर और काफ़ी अच्छा लग रहा है। सो अगर आपने चित्रकूट की मेरी वीडियो नहीं देखी है, सीरीज नहीं देखी है, तो जाके चेकआउट कर लेना। आपको यहाँ पे सारे आपको वीडियोस के लिंक आ रहे होंगे, इवन मैंने डिस्क्रिप्शन में भी लिंक डाल दिया तो वहाँ भी चेकआउट कर सकते हो। सो बेसिकली दतिया में एक मंदिर जहाँ पे हम जाने वाले हैं और वहाँ के दर्शन करेंगे और आपको आज ही के दिन हम निकलेंगे भी वहाँ से, तो सेम डे हमारे जाना अप डाउन होगा। तो जो भी हमारा एक्सपेंस रहने वाला है तो वो आपको बताया जाएगा। अभी तक हमारे 2 टोल टैक्स पड़ चुके हैं, एक 12 जोड़ जहाँ पे मेरा 175 रुपीज़ लगा है एंड सेकेंड टोल जहाँ मेरा 110 मतलब 110 रुपये लग चुके हैं। तो बाकी की इन्फॉर्मेशन आगे आपको मिलती रहेगी। तो चलो चलते हैं।
गाइस अभी पहुंच चुके दतिया मंदिर के पास, और पीछे देख पा रहे हो गाड़ी भी मैम लगा चुके हैं। तो चलो चलते हैं आप सीधा मंदिर की तरफ और दिखाते हैं आपको भी मंदिर का मेन गेट, जैसे कि आप देख पा रहे हो सामने, और बहुत ही जाना माना मंदिर है ये। तो यहाँ पे आज हम जाने वाले हैं। आपको जस्ट बगल में ही आपको स्वीट शॉप भी मिल जाएगी, जहाँ से आप चीज़ें खरीद के भोग लगा सकते हो, आप प्रसाद चढ़ा सकते हो। तो गाइस चलो चलते हैं अंदर और आपको भी दिखाते हैं। अगर आप मंदिर से आ रहे हो कार से, तो आपको यहाँ सामने की तरफ तो गाड़ियों को पार्किंग मिल जाएगी, बट अगर इफ इन केस अगर यहाँ पे गाड़ी नहीं मिलती है, तो आप इधर भी आप साइड में गाड़ी लगा सकते हो। सो ये कुछ पार्किंग एरिया है जहाँ पे मिक्स है बाइक और उसमें, बट कोई भी चार्जेस नहीं आपको यहाँ पे लगेंगे मंदिर के लिए। तो गाइस यहाँ पर एक मंदिर भी है जिसको कहेंगे शंभू मंदिर। जैसे अगर हमारे कानपुर में जैसे आपका वानखंडेश्वर टेम्पल है जो खुद से स्वयंभू हुए थे, वैसे यहाँ पे भी एक शंभू आपका मंदिर है, अंदर मंदिर है जिसको हम अंदर आपको दिखाने वाले हैं। अगर वीडियो अलाउड होगी तो मैं आपको दिखाऊंगा, नहीं होती है तो दर्शन कर लूंगा, बट आपको पूरा बाहर का व्यू इंटीरियर पर देने वाला हूं मैं। तो चलो अब चलते हैं। ये जो पूरी निषेध है यहां पर, तो मैं आपको अंदर का दर्शन तो नहीं करा सकता, बट बाहर पूरा प्रॉपर लिखा हुआ है कि यहां पे वीडियो अलाउड नहीं है। सो ये है कुछ एंट्रेंस जो कि आप देख पा रहे हो, और यहां पे मेंशन भी है कि आपको सब शांत रहना है, और इस तरीके का बना हुआ है अंदर एंटर पूरा। यहाँ पे काफ़ी लोगों की मान्यता है कि ये जो आप जगह मेरे सामने पूरी देख पा रहे हो, जो कि काफ़ी ज़्यादा बड़ी बनी हुई है, यहाँ पे कहा जाता है कि समुद्र मंथन जो कहते हैं वो यहीं पर ही हुआ था, जो कि आप मेरी वीडियो के लिए सामने देख पा रहे हो, जो कि शाम को बहुत ही अच्छा नज़र आता है यहाँ पर। और इस जगह पर पूरी आपको संपूर्ण जानकारी मिल जाएगी, जो कि आप वीडियो को पॉज करके अच्छे से पढ़ सकते हो, देख सकते हो कि किस इस बारे में क्या क्या लिखा हुआ है। इस मंदिर में आपको फ़ोन, वीडियोग्राफी, कैमरा कुछ भी अलाउड नहीं है यहाँ पे। इवन कोई भी अगर आता है तो यहाँ पे घंटी भी तक आपको बजाना अलाउड नहीं है। यहाँ पे जितनी भी घंटियाँ हैं सबको बंद कर रखा है, और यहाँ पे सबको शांत रहना पड़ता है। और अभी इस टाइम पे जो मैं छुपके से वीडियो बना रहा हूँ, यहाँ पे अभी संध्या आरती की तैयारी हो रही है, जो कि आप मेरे सामने देख पा रहे हो भक्तों की भीड़ की वजह से। सो गाइस अभी पूजा करके हम लोग बाहर आए हैं, और वो पूजा बहुत ही ज़्यादा अच्छे से हुई। पीताम्बरा माता जो हैं वो यहाँ पे वास करती है। यहाँ पे कहा जाता है कि यहाँ पे समुद्र मंथन भी हुआ था, तो वो भी जगह बनी हुई है। यहाँ पे कुआं भी है, हर एक चीज़ की डिटेल मैंने आपको वीडियो में बताई है। आई होप ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव लग रही होगी। और अभी इसके बाद अभी हो रहा है टाइम आपका 7:22, अभी 8:30 एक मंथन भी होना है, तो उसका हम लोग वेट कर रहे हैं। सो 8:30 एक होना है मंथन, जहाँ पे लाइनें लगती हैं, लाइन वहाँ पे बहुत ज़्यादा श्रद्धालुओं की लाइन लगती है, तो उसको भी कवर करेंगे। और अभी बाहर आने का मकसद ये था क्योंकि अंदर बिल्कुल भी वीडियोग्राफी फ़ोटो खींचना अलाउड नहीं है, बट स्टिल मैंने थोड़ी बहुत क्लिप्स ली हैं आप लोग के लिए, जिससे आपको मैं प्रॉपर इन्फॉर्मेशन दे पाऊँ और थोड़ा बहुत बता पाऊँ। बाकी गाइस कुछ ऐसा है बाहर का व्यू, और जैसे कि टाइम देख पा रहे हो आप 7:22, और इस टाइम पे भीड़ बहुत ज़्यादा है। पूरे इंडिया से लोग आते हैं यहाँ पे दर्शन करने के लिए पीताम्बरा माता के, और अभी जो है 8:30 तक और भी बहुत ज़्यादा भीड़ लग जाएगी। सो गाइस ये था मेरा पूरा ओवरऑल एक्सपीरियंस, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा, मेरा फर्स्ट टाइम विजिट था दतिया में। जिसके लिए टोल जहाँ पे पेट्रोल लगा था 2510 जिसमें हमारी जो टोटल एवरेज तक का पेट्रोल था, मैंने ऑलरेडी 510 का पहले डाला था पेट्रोल, उसके बाद 2020 का डाला था, तो मेरा 2530 का पेट्रोल डाला हुआ था। सो उसमें से गाड़ी का एवरेज अगर टिका ले तो ओवरऑल भी 13-14 का एवरेज दिया है गाड़ी ने, जबकि गाड़ी पूरी फुल थी। बाकी पूरा आपको ईच एंड एवरीथिंग आपको घर पे उतर के हम बताएंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं जर्नी और लेते हैं प्रभु का नाम। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। चलो सो गाइस पहुंचने में जो टोटल टाइम लगा वो हम लोगों को अप्रॉक्स 6 घंटा लग गया पहुंचने में। आप चाहो तो 4 घंटे या 4.5 घंटे पहुंच सकते हो, बिकॉज रोड टोटली क्लीन है, एकदम क्लीन। तो गाइस अभी हो रहा है 12:30, और ये देख रहे हैं मेरे साथ मेरा भांजा भी टहल रहा है,
और अभी बस वॉशरूम के लिए एक ब्रेक लिया है और अभी हम सब फैमिली के साथ में है तो हॉल्ट काफ़ी सारे हो रहे हैं जिस चक्कर में काफ़ी लेट हो रहा है। सो अभी हम लोगों ने 100 किलोमीटर ऑलमोस्ट कवर कर लिए, बुंदेलखंड आ चुका है और यहाँ से मैक्सिमम जो डिस्टेंस बचा हुआ है वो करीब करीब 125 किलोमीटर बचा हुआ है। सो जल्दी से कवर करते हैं और आपको सीधा फाइनल वर्डिंग्स में देने वाला हूँ आपको सीधा घर पे। बोलो बाय बाय कर दो बाय बाय। सो फर्स्ट टाइम मेरे विजिट था दतिया में और बहुत ही ज्यादा अच्छे दर्शन हुए, 4 से 5 बार दर्शन किए हम लोगों ने और हम यहाँ 2 से 3 घंटा रुके थे और यहाँ पे बहुत सारी चीजें हैं जो कि आपने वीडियो में देख ली होंगी, सारी कहानी सारी स्टोरीज आपने देखी होंगी, आपको मेरे वीडियो क्लिप डाली है, नहीं देखा तो आप, मैंने कुछ वीडियोस ऑलरेडी यहाँ मेंशन कर रखा है। सो अगर आपको वीडियो अगर पसंद आया हो तो इस वीडियो को क्या कर देना, लाइक कर देना, शेयर कर देना और सब्सक्राइब कर देना। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, टिल देन सायोनारा।